आज हम आपको बताएंगे कि आखिर क्यों गैंगस्टरों को पकड़ना पुलिस के लिए इतनी टेढ़ी खीर है। आखिर क्या वजह है कि पुलिस ये जानते हुए भी कि वो इंडिया में ही हैं, फिर भी उन तक पहुंच क्यों नहीं पाती है। आखिर क्या वजह है कि पुलिस इनके पीछे भागती रहती है और ये सुकून से खुली हवा में सांस लेते हैं। आखिर क्या वजह है कि सालों पुलिस को इनके पीछे पीछे भागते हुए हो जाते हैं और ये आराम से अपने जुर्म की दुनिया को बसाते चले जाते हैं। आपको बता दें, गैंगस्टर काला जठेड़ी के पीछे भी पुलिस 6 महीने से पड़ी हुई थी। जी हाँ, 6 महीने एक गैंगस्टर को पकड़ने के लिए पुलिस ने अपने 6 महीने का टाइम वेस्ट किया। आखिर ऐसी क्या वजह है जो ये इतनी आसानी से पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ पाते हैं? तो आज हम आपको उन्हीं सभी सवालों के जवाब देंगे। आपको बता दें, ये गैंगस्टर बिना सिम के मोबाइल का इंटरनेट के जरिए इस्तेमाल करते हैं। जानकारी के मुताबिक बीते दिनों पुलिस ने जब गैंगस्टर प्रीत सेखो अमृतसरिया को अजनाला से गिरफ्तार किया तो पुलिस को हथियारों के साथ मोबाइल फोन मिले थे और 2 इंटरनेट डोंगल मिले थे। बरामद किए गए मोबाइल्स में सिम नहीं थे। जग्गू भगवान पुरिया, बॉबी मल्होत्रा, लॉरेंस बिश्नोई, काला जठेड़ी, विक्की गोंडर जो कि अब एनकाउंटर में मारा जा चुका है, उससे भी बिना सिम के ही मोबाइल और डोंगल बरामद हुए थे। पुलिस का साइबर सेल पहले गैंगस्टरों को उनके मोबाइलों से पकड़ लिया करता था, लेकिन बाद में ये लोग डोंगल से इंटरनेट के जरिए फोन का इस्तेमाल करने लगे, जिससे ये लोग पुलिस की पकड़ से बाहर हो गए। आपको बता दें, सुशील कुमार ने भी फरारी के दौरान इंटरनेट कॉलिंग का इस्तेमाल किया था। आपको बता दें, व्हाट्सएप कॉलिंग और फेसबुक का कैसे इस्तेमाल करते हैं ये अपराधी? तो बताएं, अपराधों को अंजाम देने के लिए गैंगस्टर व्हाट्सएप कॉलिंग या फेसबुक का इस्तेमाल करना सबसे उचित समझते हैं। इसके लिए उन्हें सिम की भी जरूरत नहीं पड़ती और ना ही उनकी कॉल ट्रेस होने का डर रहता है। यदि वे पकड़े भी जाएं, तो उनकी पिछली आगे की कोई भी डिटेल पुलिस को नहीं मिल सकती, जिसके चलते पुलिस को उनके मोबाइल से कोई भी डाटा रिसीव नहीं होता है। व्हाट्सएप से कॉल करने के लिए मोबाइल में सिम की जरूरत नहीं होती है। अगर एक्टिवेशन कोड मोबाइल में डाल दिया जाए तो बिना सिम कार्ड के ही व्हाट्सएप का प्रयोग किया जा सकता है। आरोपियों को व्हाट्सएप चलाने के लिए भारतीय सिम की जरूरत ही नहीं पड़ती। वे फेसबुक से मिलने वाले विदेशी क्लोन नंबरों का प्रयोग करते हैं। यह नंबर फेसबुक पर 150 से 300 रुपए तक में उपलब्ध रहते हैं। इनके सिम और नंबर विदेशों में ही ट्रेस होते हैं, क्योंकि इनके मोबाइल में एक्टिवेशन कोड डाला जाता है। इसके बाद पुलिस को उन्हें ट्रेस करना मुश्किल हो जाता है। इन्वेस्टिगेशन मुख्यविंदर सिंह भुल्लर ने कहा कि पंजाब सरकार और केंद्र सरकार को इस बारे में पत्र लिखकर पुलिस बता चुकी है। विशेषज्ञों का ये भी कहना है कि यदि फेसबुक पर बिना सिम के व्हाट्सएप में चलाने के लिए दबाव बनाया जाए तो इस समस्या का हल हो सकता है और गैंगस्टरों को ट्रेस किया जा सकता है।